शाम का वक्त था। मनोहर शिवजी के मंदिर में शिवजी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हे शिव शंभू, हम सब आपके भक्त हैं। हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद जी के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है गोवर्धन जी, हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए, वहां मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। इतने में गोवर्धन जी ने ये बात कह दी, जिसे सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, देखिए मेरा कुछ खास ताल्लुक नहीं है उस मंदिर से, मैं तो अभी बेच दूं आपको, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे, वो लोग हर शाम को मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ। अरे पैसों के आगे कौन नहीं झुकता प्रेमचंद जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी बीवी सावित्री एक महीने बाद आने वाली शिवरात्रि का प्लान बना रहे थे। सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, पूरा गांव मिलकर शिवजी का भजन गाएंगे, उसी से शिवजी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गाँव के ज्यादातर आदमी मनोहर की तरह खेती करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते हैं, अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा, फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल की शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे, शिवजी के मंदिर को हम अच्छी तरह सजाएंगे, शिवजी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहां समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिवजी के लिए व्रत रखती थी और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। अगले दिन शाम को गांव की औरतें मंदिर की ओर जाने लगी। सावित्री भी सभी के साथ ही जाने लगी, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वो लोग चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद जी और गोवर्धन जी खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? क्या हो रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये जमीन बेच दी है, अब गोवर्धन जी ये मंदिर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहाँ मनोहर चला आया और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जमीन मेरी है, ये मत भूलो, मैंने ही तुम लोगों के कहने पर ये मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये मंदिर शिवजी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे, क्यों भाइयों? सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ नहीं तोड़ने देंगे, हाँ हाँ नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। गोवर्धन जी ने प्रेमचंद जी से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा प्रेमचंद जी, अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दोनों चले गए। गांव की औरतें मंदिर में गईं और शिव जी की पूजा करने के बाद फल खाकर व्रत तोड़ा। लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया, वो अपने ही मन में कहने लगा, ये लोग फिर से आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। शिव जी ने मनोहर से कहा, मनोहर मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसने हाथ जोड़ लिया, शिव जी आपने खुद मेरे सपनों में आकर मुझे आदेश दिया, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ, अब तो चाहे जान देनी पड़े लेकिन उस मंदिर को मैं बचा कर ही रहूंगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ गई। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, घर पे खाना खत्म होने को है। हाँ, मेरे घर में भी और दो हफ्ते का खाना बचा है, उसके बाद शायद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बारिश हो जाए, फसल उगेगी तो ही हम जिंदा रह पाएंगे भैया। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी।
तभी वहाँ गोवर्धन जी आए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ हैं? मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो तुम लोगों के पास खाना नहीं है, सही कहा ना मैंने? जेब में पैसे नहीं है, कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग बताओ? ये सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन जी ने कहा, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। बस तुम लोगों को ये मंदिर छोड़ देना होगा। ये सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी, मैं तो बस तुम्हारे भले के बारे में बात कर रहा था। ये बोलकर गोवर्धन जी चले गए। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि एक जाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वो लोग रात को चुपके चुपके प्रेमचंद जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी साइड आ गए। लेकिन वो मनोहर बड़ा सयाना है, वो आधे लोगों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ा लीडर बनता है ना, उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। उधर मनोहर और सावित्री को रात को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीते गए। खेती करने की जमीन सूखी पड़ने लगी। सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे तो पड़े हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं सावित्री, वो शिवरात्रि के लिए है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद का साइड ले लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। नहीं मनोहर भाई, सबसे आगे जो है पेट है, खाली पेट जो है हम पूजा नहीं कर सकते, भैया माफ करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था, उन दोनों ने वो हार बेच दिया। मनोहर ने सावित्री से कहा, पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर की ओर जा ही रही थी, इतने में कुछ लोग एक गाड़ी में आए और सावित्री को उठा कर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वो सावित्री को ढूंढ नहीं पाया। सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन जी और प्रेमचंद जी वहाँ पर आए और गोवर्धन जी ने कहा, देखो भाई, सावित्री तुमको नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में दस्तखत नहीं कर देते, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कैदी बना लूंगा। मैं ये कभी नहीं करूंगा, ये शिव मंदिर हमारी आस्था है, मेरे जिंदा रहते हुए इस मंदिर में एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मनोहर के हाथ में दूध का पतीला था, वो शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन जी के पालतू गुंडे वहाँ आए और मनोहर को पकड़ लिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहाँ आ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं शिव जी का भक्त हूँ, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। गुंडे मनोहर से दूध का पतीला छीनने लगे और तभी पतीले से दूध शिवलिंग पर गिर गया। मनोहर की मनोकामना पूरी हुई और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया और शिवलिंग से स्वयं शिव जी बाहर आ गए। पापियों, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? शिव जी को देखकर सभी चौंक गए, सभी ने अपना हाथ जोड़ लिया। गांव के लोगों, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो,
वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। क्षमा कीजिए महादेव, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम दोनों पापी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर शिवजी ने दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिवजी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं। आप बस बारिश करवा दीजिए। वाह वत्स, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं प्रसन्न हूँ। शिवजी ने बारिश करवा दी। सावित्री मनोहर के पास वापस आ गई। गांव के लोगों ने मनोहर से माफी मांग ली। मंदिर नहीं टूटा। उसके बाद से दूर दूर से लोग उसी मंदिर में शिव जी की पूजा करने के लिए आने लगे और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूँगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूँगी। जीती रहे बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे। हम सब तो ईश्वर की संतान है, हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है जिससे उसकी। बस और कुछ मत बोलो, मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है, आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ कर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक। इस बात पर वहां खड़े सब लोग हंस लेते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं ना कहीं वही डर फिर से था। राधे की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरम्भ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ, दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी,
कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं। ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे अब कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा। हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है, अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु, आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है, मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी।